हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज, आपको भी टिकटॉक अकाउंट में पेनियर लिंक और ऐड नहीं हो रहा है। पहले जो पेनियर लिंक था उसे डिलीट करके नया ऐड करना चाहते हो, बट लिंक नहीं हो रहा है। प्रोसेसिंग में चले जाता है लेकिन लिंक नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम सारा प्रॉब्लम का सलूशन बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स मूव ऑन अ वीडियो। आप जब पेनियर अपने टिकटॉक अकाउंट में ऐड करते हो तो आपने जो पुराना पेनियर डिलीट करके नया ऐड करना चाहते हो, बट नहीं हो रहा है, प्रोसेसिंग में चला जा रहा है। तो सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। कोई सा प्रोसेस आपको नहीं छोड़ रहा है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने टिकटॉक में चले जाना है। टिकटॉक में जाने के बाद आपको बैलेंस में जाना है। जब बैलेंस में जाने के बाद अभी आपको यहाँ पे बैलेंस देखने को मिलेगा। आप पहले ही कोई पेनियर ऐड किए हो लेकिन अब वो पेनियर डिलीट करने के बाद आप नया पेनियर ऐड कर रहे हो, तो आपको जो पेनियर ऐड नहीं हो रहा है, प्रोसेसिंग में जा रहा है, तो आप कैसे आप नए पेनियर भी आप अपने टिकटॉक उसी अकाउंट में ऐड कर सकते हो, वो हम सारा प्रोसेस अभी हम आपको बताएंगे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो, हम जब विड्रॉ पे क्लिक करते हैं तो विड्रॉ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे में एक पेमेंट मेथड पहले से ही ऐड है, पेपाल। तो आपको क्या करना है, जब आप पेनियर ऐड करते हो तो ऐड पेमेंट मेथड पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद अभी हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। जब आप अल्जीरिया सिलेक्ट करके, तो सारा प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। यहाँ पे हम भी आपको अभी दिखाते हैं, यहाँ पे जस्ट नाउ पे प्रोसेसिंग बताएंगे। तो अभी यहाँ पे हम कोड देकर आपको बताते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे कोड रख देने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, बट यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो पेनियर अकाउंट का जीमेल है ये आपको यहाँ पे फिलअप करने के लिए आएगा इंटरफेस। मेरा यहाँ पे नेट स्लो है इसीलिए थोड़ा दिक्कत ले रहा है। तो यहाँ पे ऐसे आ जाने के बाद आपको जीमेल रखना है, जिस जीमेल से आप अपने पेनियर अकाउंट क्रिएट किए हो। तो यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करते हो तो आपको सेम इसी तरह का जो मेरा अभी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये जो प्रोसेसिंग में जा रहा है, आपको डायरेक्ट प्रोसेसिंग में जा रहा है। जो पहले था यहाँ पे अकाउंट नंबर का पासवर्ड, जो जीमेल और पासवर्ड मांगते थे, जो यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, डायरेक्ट प्रोसेसिंग में जा रहा है। तो सारा दोस्तों का यही प्रॉब्लम आ रहा है, डायरेक्ट प्रोसेसिंग में जाकर यहाँ पे जितना भी वेट कर लो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो मतलब इस अकाउंट को इसमें ऐड नहीं हो रहा है। तो अब हम बताएंगे आप ये प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे कर सकते हो। आप दूसरे जो आप अभी ऐड करना चाहते हो उस पेनियर को आप कैसे ऐड कर सकते हो। तो क्या करना है, आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाना है, फिर से आपको ऐड पेमेंट मेथड पे जाना है। तो आपको विड्रॉ पे क्लिक करके ऐड पेमेंट मेथड पे जाना है। तो अभी हम आपको लाइव प्रूफ बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आपको ऐड पेमेंट मेथड कर देना है। ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देने के बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर अल्जीरिया आप पहले सिलेक्ट किए हो तो आपको क्या करना है, ये अल्जीरिया आपको नहीं सिलेक्ट करना है। आपको कौन सा कंट्री सिलेक्ट करना है आपको ये ध्यान में रखना है। तो आपको सिलेक्ट करना है गाइज, यहाँ पे आप देख रहे हो इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया जो कंट्री है यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। इंडोनेशिया सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको डाउन पे क्लिक कर देना है। तो आपको इंडोनेशिया में इतना सारा ऑप्शन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इंडोनेशिया पे जो इंडोनेशिया कंट्री में ये पायनियर का जो ऑप्शन है, तो आपको पायनियर पर क्लिक कर देना है। तो जो सही पैनर पे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने फिर ऐसा कोड मांगेगा, तो आपको कोड फिलअप कर देना है। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कोड रख दिया। कोड रख देने के बाद आपको क्या करना है, फिर से एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देने के बाद गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जीमेल रखने को आपको मांग रहा है। तो गाइज यहाँ पे आप जिस नए पेनियर अकाउंट को आप ऐड करना चाहते हो उसी जीमेल को आपको यहाँ पे देना है। तो जैसे यहाँ पे देने के बाद आपको सबमिट कर देना है। आप जो सा नया पेनियर अकाउंट पहले वाला डिलीट किए हो तो आप नया ऐड करना चाहते हो तो आपको ये यहाँ पे जीमेल देना है। तो पहले क्या आता था, यहाँ पे प्रोसेस का ऑप्शन आ रहा था, डायरेक्ट प्रोसेसिंग में जा रहा था। यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके यहाँ पे वेरीफाई कर देना है, और यहाँ पे आपको जो नया अकाउंट का जीमेल है वो जीमेल और यहाँ पे पासवर्ड देकर आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो गाइस आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको इंडोनेशिया जब आप सेकेंड बार कर रहे हो ना, तो इंडोनेशिया आपको सिलेक्ट करके ही करना है, नहीं तो आपको जो पेनियर नया पेनियर है आपको टिकटॉक में ऐड नहीं होगा। इसलिए आप इंडोनेशिया कंट्री सिलेक्ट करके आप जब ऐड करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो आपके टिकटॉक अकाउंट में जो आपको नए वाले पेनियर है ये ऐड हो जाएगा।
तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।